हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल TS24 में। दोस्तों आज हम रिपेयर करने वाले हैं बॉट एयर ड्रॉप्स 161। दोस्तों हम इन्हें घर पे ही बहुत इजीली सरल तरीके से रिपेयर करेंगे। हो सकता है कि दोस्तों आपके पास बोट के ही एयर ड्रॉप्स हो बट वो किसी दूसरे मॉडल के हों, तो दोस्तों ये मैटर नहीं करेगा। अगर कुछ मैटर करेगा तो सिर्फ रिपेयरिंग का तरीका, क्योंकि वो तो सेम ही होने वाला है। दोस्तों मैं इस वीडियो में एयर ड्रॉप्स और केस में आने वाली सारी समस्याओं और उसके समाधान के बारे में बताऊंगा। आपके एयरबड्स में या केस में जो भी प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो के थ्रू अपने एयरबड्स केस को रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा, क्योंकि वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिनके बिना आप अपने एयरबड्स को सही से रिपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको हमारा रिपेयर करना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसके एयरबड्स में आने वाली समस्याओं के बारे में बता देता हूँ। केस को मैं रख देता हूँ और दोस्तों मैं एक ही उठाऊंगा, क्योंकि दूसरे वाले को आप उसी प्रकार देखकर ही आप रिपेयर कर लेना। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों एयरबड्स में क्या प्रॉब्लम आती है, दोस्तों इसके जो चार्जिंग पॉइंट्स है यहाँ पर होता क्या है दोस्तों, वाटर या पसीना लग जाता है, क्योंकि आजकल गर्मियों के दिन चल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स इसके अंदर के पॉइंट्स से टच नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये जो होता है ना कि ये चार्ज नहीं होता है। और कभी अगर चार्ज हो गया तो हम इसमें डालते हैं, तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि हम जब वैसे बंद करते हैं तो ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है। वो कारण ये है कि एक बार ये चार्ज हो जाता है बट दूसरी बार इसमें कार्बन लग जाता है, जिसकी वजह से यहाँ वो टच नहीं हो पाता है। और जब टच नहीं होगा तो अंदर यहाँ की सप्लाई इसके अंदर नहीं जा पाएगी, तभी ये सेंसर इसको सेंसेट नहीं कर पाएगा और इसी की वजह से ये बंद नहीं होता। तो आप जैसे पेट्रोल से इसको साफ़ कर लेंगे ये दोस्तों वर्क करने लगेगा। और दोस्तों इसमें दूसरी समस्या क्या आती है, मैं इसको भी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दूसरी समस्या दोस्तों इसमें यही है, ये जो इसका मैग्नेट देख रहे हैं, ये दोस्तों मैग्नेट असल में यहाँ पर फिक्स होता है, इस जगह पर फिक्स होता है, और दोस्तों ये छूट कर यहाँ पर आ जाता है इधर उधर। और दोस्तों ये होता कब है, ये होता असल में दोस्तों ये है, जैसे हमने एयरबड्स निकाल के कान में लगाया बट ये गिर गया, तो जब गिर जाता है तो ये फेविक्विक से ही चिपका रहता है, तो दोस्तों ये निकल जाता है यहाँ से, ये देखिए। और जब ये निकल जाएगा और ये कहीं और लग जाएगा तो हमारे जो एयरबड्स है, एयरबड्स इसके अंदर जा ही नहीं पाएगा सही से, ये वापस रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि इसमें लगा मैग्नेट और इसमें लगा मैग्नेट दोनों आपस में आकर्षित करते हैं, तभी हमारा एयरबड सही से वर्क करता है। और जब ये दोस्तों दूसरी जगह छूट के लग जाता है तो ये वाला मैग्नेट और ये वाला मैग्नेट जो इसमें लगा है, ये आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमारा एयरबड्स चार्ज नहीं होता। तो इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको भी बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आप एयरबड्स को लीजिए, इस एयरबड्स को यहाँ पर ऐसे डालिए, ये देखिए इस तरीके से, जब दोस्तों ये यहाँ पर चला जाए तो उसके ऊपर से ऊपर की तरफ मार्क कर लीजिए। इस प्रकार मार्क करने के बाद इसको आप निकाल लीजिए यहाँ से, इसको आप कहाँ पर या फिर इस एयरबड्स में दोस्तों एक बूंद फेविक्विक डालिए, जिस तरह मार्क किया था वो वाला ऊपर की तरफ रहेगा, जो ऐसा सिंपल इस पर एक बूंद फेविक्विक रखिए आप, बस ज़्यादा नहीं। या फिर आप यहाँ पर ना डाल के आप इसके अंदर जहाँ पर वो फिक्स होता है वहीं पर दोस्तों एक बूंद, बस बहुत कम, बस दोस्तों एकदम थोड़ा सा ही फेविक्विक आप डालिए, ज़्यादा ना होने पर। और दोस्तों आप इसमें किसी मेटल के किसी चिमटी का प्रयोग ना ही कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चिमटी असल में क्या होती है कि वो बनी होती है मेटल की, और मेटल की संपर्क में जैसे ही आएगा उसमें ये टच हो जाएगा। तो आप हाथ से ही करिए क्योंकि जगह यहाँ पर काफ़ी है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये सही से फिक्स हो गया होगा, अभी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कि कैसे ये अभी सही से जाएगा। ये देखिए अपने आप से जा रहा है, ये देखिए थोड़ा सा मतलब वो अपनी तरफ आकर्षित करता है, जब भी आप आकर्षित करते हैं तो ये पॉइंट्स उसमें टच होते हैं सही से, ऐसे नहीं हो सकता। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, उससे आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि अगर कुछ सही जानना है तो उसके लिए आपको काफ़ी देर तक वीडियो पर बने रहना होगा, बट जानकारी जितनी है वो एकदम सत्य है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी है आपके लिए। तो फिर दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हुआ मैग्नेट दोस्तों हट जाने का। कभी कभी क्या होता है कि मैग्नेट भी आपका लगा रहेगा, मैग्नेट भी लगा रहेगा और उसके बावजूद भी दोस्तों इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है कि अगर तब भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो दोस्तों यहाँ से इसका ये हटाइए आप, ये हटाने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गैपिंग दी, इसी गैपिंग में आप इस टाइप के कटर को एंटर करके
ऐसे करके, और ये जो इसके अंदर की जो मशीन है इसको बाहर की तरफ फोर्स कीजिए। हालांकि हम पहले इसको डिसोल्व करके हटाते हैं यहाँ से, बट इसके वायर्स लंबे इसलिए मशीन भी बाहर आ जाएगी, हमें वायर डिसोल्व भी करके हटाने नहीं पड़ेंगे। तो इसीलिए इसको दोस्तों बाहर की तरफ प्रेस कीजिए। ये देखिए इसकी मशीन ये बाहर की तरफ आ गई है। ये दोस्तों हो क्या जाता है, जमीन पर गिरने के बाद दोस्तों इसकी सप्लाई ब्रेक हो जाती है। ब्रेक होने का मतलब क्या होता है कि दोस्तों जैसे एक इंसान का शरीर होता है वो क्या होता है कि हम जैसे ज़मीन पर गिर जाते हैं या कभी कभी पानी में डूब जाते हैं तो दोस्तों हम दोस्तों बेहोश हो जाते हैं, बट हमारी जान नहीं निकली होती है, हमारे अंदर जान रहती है। जैसे हमें कोई आदमी आके हमें धक्का देता है या हिलाता है झुलाता है या फिर हमारे ऊपर पानी का छींटा मारता है तो हम वर्क में आ जाते हैं, उसी प्रकार दोस्तों इसमें सप्लाई भी ब्रेक हो जाती है, इस पर धक्का लग जाता है सप्लाई का। तो जैसे हम दोस्तों इस पर एक बूंद, जैसे दोस्तों हम एक बूंद इस पर पेट्रोल डालेंगे, एक बूंद, ये देखिए पेट्रोल, हालांकि ज़्यादा मेरे पास है नहीं, ये देखिए दोस्तों एक बूंद ऐसे पेट्रोल डालने के बाद दोनों तरफ आपको डालना है, मेरे पास थोड़ा सा कम है, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ऐसे करके। और या फिर दोस्तों अगर आपका ये पानी में भी गिर गया तो भी दोस्तों सेम ही प्रोसेस होगा इसका। और दोस्तों इस तरीके साफ़ करने के बाद आप दोस्तों दो एक दिन के लिए धूप में रख दीजिए, कड़ी की धूप हो उसमें रख दीजिए, और उसके बाद दोस्तों इसको दोबारा से उसी प्रकार ऐसे फिक्स कर दीजिए। ये देखो दोस्तों, और अगर दोस्तों तब भी दोस्तों अगर नहीं हो रहा तो दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से दोस्तों इसके वायर को हटाना है और इस बैटरी में दोस्तों डायरेक्ट सप्लाई देनी है, क्योंकि ये दोस्तों एकदम डेड हो जाती है, डेड हो। और दोस्तों इसको सप्लाई किससे देनी है, आपको कटे चार्जर से सप्लाई दे देनी है। आजकल बहुत सारे चार्जर्स आपके घर में ख़राब पड़े होंगे, उसके दो पॉइंट्स को काट के यहाँ पर आप सप्लाई दे सकते हैं, या फिर किसी बड़ी बैटरी से, जो बड़ी बैटरी होती है मोबाइल की या और किसी उसके प्लस प्लस पॉइंट को इस पर आप टच करके सप्लाई दे सकते हैं। तो दोस्तों तब भी ये दोस्तों बैटरी आ जाएगी। और दोस्तों इसमें एक और समस्या क्या आ जाएगी कि हो सकता है कि दोस्तों आप चाहे जितना भी चार्ज कर लें बट आपके दोनों ईयरबड्स 10 से 15 मिनट में डिस्चार्ज हो जाने हैं। तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है कि दोस्तों आपके जो ईयरबड्स होते हैं दोस्तों उसकी जो बैटरी होती है उसकी चार्जिंग कैपेसिटी अब ख़त्म हो जाती है काफ़ी समय के बाद। तो दोस्तों आपको बैटरी कौन सी दोस्तों इसमें फिक्स करनी है, देखिए दोस्तों ये वाली बैटरी है, यानी दोस्तों आपको बैटरी इसमें फ़िक्स करनी है। और अगर आप सोच रहे हैं कहाँ से मिलेगी तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ, आप वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको बैटरी प्रोवाइड करा दी जाएगी। बैटरी बहुत कम ही प्राइस पे है, बहुत ज़्यादा प्राइस हमने नहीं रखा है इसका, और आपके लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी 70 से 80 रुपये के बीच में, जो कि 60 mAh की है बैटरी। तो दोस्तों हमने ईयरबड्स की सारी प्रॉब्लम्स आपको बता दी है, और दोस्तों उसके अलावा आप इसमें वायर देख लीजिए कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। ये दोस्तों सबसे आसान तरीका है और सबसे अच्छा तरीका है एयरबड्स को रिपेयर करने का। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया करे तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए या कहिए। और दोस्तों अगर मैं दोस्तों वीडियो में अगर कुछ ऐसा ना बता पाया करूं जो आपके एयरबड्स में प्रॉब्लम है या फिर मैंने वीडियो में नहीं बताया तो दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी कैसी भी प्रॉब्लम्स होगी हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और उस पर एक वीडियो भी बना देंगे ताकि आप अपने ईयरबड्स को रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों इसको उसी, ये देखो दोस्तों हमने इसको उसी प्रकार क्लोज कर दिया है। अब दोस्तों इसके केस में आने वाली सारी समस्याओं के बारे में हम आपको बताएंगे, ईयरबड्स के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, लेफ्ट साइड वाला आप अपने आप से रिपेयर कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमें इसे यहाँ से ओपन करना है, ये देखिए ये पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ से आपको इस टाइप से डालिए इसको, बिल्कुल आराम से करना है, धीरे धीरे करना है, ज़्यादा जल्दबाजी बिल्कुल आपको नहीं करनी है। हालांकि दोस्तों हमारे एयरबड्स में आप देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे दोस्तों इसकी बैटरी जो है वो पहले से ही ये फूल गई है काफ़ी ज़्यादा। ये होता क्या है दोस्तों, या फिर बहुत पुरानी हो जाती है बैटरी, इस वजह से ये दोस्तों इस टाइप से हो जाती है, या फिर दोस्तों बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करने की वजह से, माना कि दोस्तों इसको चार्ज करने का समय होता है बस आपको 20 से 25 मिनट चार्ज करने होते हैं, बट दोस्तों होता क्या है हम रात को चार्जिंग में लगा देते हैं और रात को बंद ही नहीं करते, सुबह उठे तब बंद किया, तो दोस्तों इसकी जो कैपेसिटी होती है चार्जिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा चार्ज हो जाती है जिसकी वजह से ख़राब हो जाती है। तो इसको तो हम रिपेयर करेंगे ही, बल्कि उसके बारे में और भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, और किस में क्या समस्याएं आती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
और दोस्तों इस केस में और दोस्तों समस्या क्या आती है दोस्तों, इसमें भी दोस्तों सेम ही समस्या है। जब ये दोस्तों ज़मीन पे गिरता है तो उस कंडीशन में होता क्या है कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसमें भी मैग्नेट लगे हैं, यहाँ पर भी मैग्नेट और ये मैग्नेट, ये जैसा कि मैंने बताया था, ये जब एयर हमारे एयरबड्स को ऐसे दोस्तों यहाँ पर ऐसे अपनी तरफ आकर्षित करता है तो एक मैग्नेट जो यहाँ पर इसमें लगा होता है दूसरा मैग्नेट यहाँ, तो दोस्तों जब ये ज़मीन में गिरता है तो ये भी मैग्नेट निकल के इधर उधर लग जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये सही से वर्क चार्ज नहीं कर पाता है। तो दोस्तों इन मैग्नेट्स को फिर से आप यहीं पर सोल्व कर सकते हैं, सही से फिक्स कर सकते हैं। फिक्स कैसे करना होता है दोस्तों मैंने बता ही दिया था, एक थोड़ा सा छूट गया है तो दोस्तों इस पर थोड़ा सा मैं फेविक्विक डाल देता हूँ ताकि और सही से फिक्स हो जाए। और दोस्तों इसमें दूसरी समस्या दोस्तों क्या आती है कि जब ये ज़मीन में गिरता है या पानी में गिरता है, तो जैसा मैंने बताया था अभी लोग ज़मीन पर गिर जाते हैं या पानी में तो हमारा बेहोश हो जाते हैं, सेम उसी प्रकार दोस्तों वही फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होता है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको करना क्या होता है कि आप कीजिए कि यहाँ पर दोस्तों पेट्रोल डाल दीजिए, एक एक दो दो बूंद पेट्रोल डाल दीजिए, हालांकि मेरे पास इसमें बचा बहुत कम है पेट्रोल डाल दीजिए दोस्तों, इसकी जो सप्लाई होगी वो वापस से वर्क करने लगेगी सही से। इसको साफ कर दीजिए काफ़ी अच्छी तरीके से, साफ करके धूप में रख दीजिए दोस्तों, वर्क कर लीजिएगा। हालांकि इसमें पानी जो चला गया होगा उसकी वजह से भी हमारी सप्लाई ब्रेक हो जाती है और ज़मीन में गिरने की वजह से भी ब्रेक हो जाती है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि कैसे दोस्तों इसको सॉल्व करना है। और दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि लोगों का कहना है कि दोस्तों हमारा केस चार्ज नहीं होता, तो दोस्तों चार्ज क्यों नहीं होता अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे नहीं चार्ज होता। दोस्तों होता क्या है कि हम जब बहुत ज़्यादा इसको चार्ज कर देते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों ये आईसी जो होती है इसकी आईसी ये दोस्तों ख़राब हो जाती है, मतलब ये हीट करने लगती है, तो हीट की वजह से कभी कभी हमारा एक ही ईयरबड्स चार्ज होता है एक साइड का, दूसरी साइड का कहो चार्ज ही ना हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इसको चार्ज कर देते हैं जिसकी वजह से ये दोस्तों हीट कर जाती है और ये ख़राब हो जाती है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, और कभी कभी ये कंपनी से ही ख़राब होती है, तो उसको पता लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, इसको हाथ रखिए इसे, अगर ये हीट हो रही है गर्म हो रही है तो आप समझ जाइए कि हमारी आईसी ख़राब हो चुकी है। और वो दोस्तों कैसे ख़राब होती है, ज़्यादा चार्जिंग में लगाने की वजह से या फिर ये कंपनी से ही ख़राब होके आती है। और ये दोस्तों यही प्रॉब्लम सेम यहाँ पर भी हो जाती है एयरबड्स में भी, तो दोस्तों उसमें क्या होता है रेड लाइट ही ब्लिंक करेगा या फिर ब्लू लाइट ही ब्लिंक करेगा, दो लाइट्स ब्लिंक नहीं करेगा, तो समझ जाइए कि दोस्तों हमारे एयरबड्स की आईसी ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों इसका तो दोस्तों कोई सोल्यूशन नहीं है। और दोस्तों मैंने इसमें आने वाली सारी समस्याओं के बारे में बता दिया, तो जैसा कि हमें तो पता ही है कि हमारे एयरबड्स में क्या प्रॉब्लम है, हमारे एयरबड्स के इस केस में दोस्तों क्या होगा कि बैटरी ख़राब है, तो हम इसकी बैटरी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो दोस्तों हम इसके एयरबड्स की बैटरी रिप्लेसमेंट करेंगे, ये दोस्तों देख सकते होंगे मेरे पास ये बैटरी है इसकी जो कि दोस्तों इसकी बैटरी दोस्तों ये 400 mAh की है, हालांकि ये बैटरी ज़्यादा बेटर थी क्योंकि दोस्तों ये कंपनी की थी, और ये उतनी बेटर नहीं है, बट दोस्तों काम तो कर ही जाएगी, ठीक है, साइज़ भी ठीक है इसका, तो दोस्तों हम इसे फिक्स करेंगे। अभी मैं आपको प्लस माइनस भी बता दूंगा, हालांकि उसमें आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उस पर वहाँ पर लिखा भी हुआ है प्लस माइनस। दोस्तों जो बताने वाला रहता है मैं ज़रूर ही आपको बता देता हूँ क्योंकि हम दोस्तों एकदम बेसिक से बताते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, बिल्कुल ही समझ में आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप देख पा रहे होंगे हमने कहा। अब दोस्तों उसी प्रकार दोस्तों इसको फिक्स भी कर देंगे। अभी मैं ये देखो दोस्तों काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों फिक्स हो गया है, अभी मैं दोस्तों इसको इसी में डाल लेता हूँ। दोस्तों चार्जिंग पे लगाया और देख सकते होंगे इसमें दोस्तों रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, दोस्तों ये प्रॉपर दोस्तों चार्ज हो रहा है, चार्ज हुआ। और दोस्तों अब हम इसको हटा के अभी आपको चेक करके दिखा देते हैं कि दोस्तों चार्ज कर रहा है कि नहीं, ये देख सकते होंगे दोस्तों, ये देखिए दोस्तों एयरबड्स में दोस्तों रेड एंड ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है, और दोस्तों उसके बावजूद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस पर वाइट लाइट भी ब्लिंक हो रही है, तो दोस्तों ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, रिपेयर हो चुका है हमारा एयरबड्स। दोस्तों अगर आपको हमारा रिपेयरिंग करना या वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जो आगे टेक्निकल गैजेट्स पर वीडियो डालूँ वहाँ तक पहुँच सके और आप घर बैठे किसी भी टेक्निकल गैजेट को रिपेयर कर सकें।